हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक जो रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल के जो रेडमी के फोन है उसमें 40-50% यूजर का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑटोमेटिक मोबाइल ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, तो काफ़ी सारे मैसेज देखने को मिल रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आप लोगों के बना रहा हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होता क्यों है, जैसे कि आपके मोबाइल में काफ़ी सारे वायरस घुस जाता है, या फिर वायरस वगैरह घुस जाता है, या फिर कैश डाटा को आप क्लियर नहीं करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसको सबसे पहले आप अनइंस्टॉल करें, ओके। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल को रिकवरी मोड पे करके और रिबूट करना है। तो रिकवरी मोड करके रिबूट कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल को ऑफ कर लेना है दोस्तों। अब जैसे ही आप मोबाइल को ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मोबाइल को ऑफ कर लेता हूँ। अब जैसे दोस्तों मोबाइल को आप ऑफ कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपका जो सिम है या मेमोरी कार्ड है उसको आपको सब निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो पावर की है और प्लस की है उसको यहाँ से प्रेस करके रखना है, दोनों को एक साथ करके रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा रिकवरी मोड ओपन हो रहा है। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर रिकवरी मोड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन को टच कीजिएगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रिबूट कर लेना है, जो आपका पावर की है इससे आपका ओके का काम करेगा, ओके। और जो ये वॉल्यूम की है ये नीचे ऊपर का, तो सिंपली आपको पावर की को दो बार प्रेस करना है। तो जैसे आप दो बार प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो रिकवरी मोड है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा रिकवरी मोड जो है ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपको रिकवरी मोड को ओपन कर लेना है, रिबूट कर लेना है रिकवरी मोड को। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगा उन लोग को सारे को अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका जो मोबाइल है उसको अपडेट कर लेना है। यहाँ से आपको यहाँ पर देख लीजिएगा आके यहाँ पर कि आपका कोई अपडेट का ऑप्शन हो तो उसको यहाँ से अपडेट कर लेना है, ओके। यहाँ अबाउट फोन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले सेटिंग पे आइएगा, सेटिंग पे आकर अबाउट फोन पे क्लिक करना है और यहाँ से देख लीजिए यहाँ अपडेट का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है, आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन है, सभी का क्लियर कैश डाटा कर देना, ओके। सिंपली आपको करना क्या, आपको सिंपली एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखना है, एप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा। यहाँ पर सिंपली क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लियर कैश आप देख सकते हैं, क्लियर कैश इस पर क्लिक करके और ओके कर देना। अब जैसे ही ओके कर दीजिएगा तो सारे एप्लीकेशन का जो कैश डाटा, जो फालतू का जो वायरस रहता है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन है सारे का आपको एप्स इन्फॉर्मेशन में जाकर यहाँ से क्लियर कैश पे क्लिक करके ओके करके सारे को क्लियर कर देना है। तो बात दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका सिक्योरिटी ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट में है क्लीन, इसको क्लीन कर लेना है, आपको सारे को क्लीन कर लेना है, कुछ सेकंड लगेगा, ओके। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर टोटल क्लीन हो जाएगा, यहाँ से क्लीन कर लेना है। उसके बाद जैसे आपका क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद सिक्योरिटी स्कैन करना है, सिक्योरिटी स्कैन कर लेना है। और जैसे आपको सिक्योरिटी स्कैन हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको बूस्ट स्पीड क्लिक करना है और आपको टोटल चीज़ें को बूस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बूस्ट स्पीड कर देना। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको कर लेना और ये आपको डेली करना है बूस्ट वाला, ओके। क्लीन करना है बूस्ट को, इसको रेगुलर करना है। सो दोस्तों, अगर आप इतना सा प्रोसेस कर लीजिएगा तो आपका जो ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। 100% आपको बोल सकता हूँ दोस्तों कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है अपने फ्रेंड्स के मोबाइल पे, जब से मैं ये स्टेप सारा उसके फोन पे किया हूँ तब से उसका मोबाइल में और प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा।